सेट नंबर जो है 5 है, जो गणित का है, अध्यापक भर्ती परीक्षा का है, इसमें हमने सभी सेगमेंट्स को आपके जो कोर्स है उससे चुना है। तो आइए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, किसी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। तो सबसे पहले कि किसी घन का जो पृष्ठ होता है वो होता है 6a² = 96 दिया गया है। तो a² = 96/6 ये हो जाएगा 6 और 6 = 36, यानी a² = 16, a√16 = 4, यानी जहां a भुजा होती थी इसलिए क्वेश्चन पहला जो हमारा ऑप्शन पहला है वो सही है। बहुपद इतने की कोटि क्या है? कोटि मतलब होता है किसी भी व्यंजक की सबसे बड़ी घात क्या है, कोटि बोलते हैं उसी को, पावर बोलते हैं। यहाँ पर x की घात, चर की घात 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, इसलिए यहाँ पर 6 होगी। इसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, संख्याओं के एक समूह का मध्यमान इतना और माध्यिका इतनी तो बहुलक क्या होगा। चूंकि इस पर भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, 3, उसमें मैंने सारा मतलब मीन मीडियन मोड यानी बहुलक, समांतर माध्य और माध्यिका पर बताया हूं। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि तीनों में यानी आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों में एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है ये आपको बहुत ही याद रखना है भाई, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अगर ये फार्मूला नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो देखिए यहां पर 3 × माध्यिका चूंकि 9 दी है, रख लेंगे माइनस 2, माध्य या मध्यमान आपका 8.9 दिया है, तो 9 × 27 माइनस 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16 = 17 घटा लेंगे, यानी 27 में से आप 17.8 घटाएंगे तो आएगा ये 2, यहाँ बचेगा 9, यानी 9.2। अर्थात अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन हमारा है बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस पर भी मैं 2 वीडियो बनाई है, उस पर चले 2 या 3 वीडियो पढ़िए, उस पर आप इसे देख सकते हैं। यदि किसी आयताकार कागज की 2 आसन्न भुजाएं क्रमशः 20% और 40% घटा दी जाएं तो नया क्षेत्रफल कितना घट जाएगा। 2 पैरामीटर चेंज होते हैं तो मैंने इसमें प्रतिशत बदलाव, बदलाव बराबर a+b+ab/100 फार्मूला मैंने बताया था। अगर घट रहा तो माइनस रखेंगे, बढ़ रहा तो पॉजिटिव रखेंगे, और इसका जो परिणामी आएगा प्लस या माइनस में, अगर प्लस आता है तो बढ़ेगा और माइनस आता तो घटेगा। आइए चूंकि 20% पहले घटा ए, फिर 40% घटा, प्लस माइनस 20 × 40/100, जैसे रखेंगे ये आ जाएगा आपका 60, और ये माइनस माइनस चूंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 0, 0, 2, 6, 8 घटा लेंगे तो शायद 52%, यानी अगर आप किसी आयत की 2 भुजाओं में 20% की कमी कर दें, एक में और एक में 40% की कमी कर दें, इस प्रकार से उसका एरिया आएगा वो 52% कम हो जाएगा, ना कि 60%। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दी गई संख्याएं क्रमागत हैं लेकिन क्या सम है, विषम है, प्राकृतिक है, अभाज्य है। तो इसमें कोई भी x की वैल्यू में पहले में ही रख लेता हूं, सपोज करिए 2x - 30, इसमें हमने x = 1 रखा, 2 × 2 - 9 = 13, तो ये आपका आ जाएगा 11 माइनस का, तो 2 फिर 2 रख लीजिए तो कितना आएगा 4 - 9 = 13, तो ये 9 आ जाएगा। तो कुल मिला के इस प्रकार से हम देख रहे हैं ये सम हो नहीं सकती क्योंकि जो संख्या है सम है नहीं, प्राकृतिक है नहीं क्योंकि माइनस आ रहा है, अभाज्य इसलिए नहीं क्योंकि 9 आ रहा है। इसका मतलब ये होगी तो केवल विषम संख्याएं होंगी जो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होंगी। अब मैं बढ़ता हूं अगले 5 क्वेश्चन की ओर।
हाँ क्वेश्चन सिक्स है पाई चार्ट है, यानी पाई चार्ट से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? गणित के सूत्रों का चार्ट ये तो नहीं है, गणित की शिक्षण विधि भी नहीं है, ये वृत्ताकार संरचनाओं को बनाने वाला यंत्र भी नहीं है, आंकड़ों को प्रस्तुत करने का तरीका। पाई चार्ट क्या होता है? दिए गए आंकड़ों को किसी एक वृत्त 360 अंश के कोण को, संपूर्ण कोण को उनके दिए गए आंकड़ों के प्रतिनिधित्व के हिसाब से बांटना ही कहलाता है, आंकड़ों को प्रस्तुत करने का तरीका होता है पाई चार्ट। अगला हमारा प्रश्न है, यदि रूट फाइव प्लस रूट एक्स कर्णिक घात थ्री इक्वल टू थ्री, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए सबसे पहले जब आप एक पहले रूट लगा है फिर क्यूबिक रूट लगा है तो सबसे पहले जो लगा होता उसको हटाया जाता है। इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले इसका हम वर्ग कर देंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम इसका वर्ग कर रहे होंगे तो देखिए क्या मिलेगा, इधर का वर्ग हट जाएगा, पांच प्लस एक्स क्यूबिक रूट इक्वल टू थ्री, थ्री जा नाइन, यानी इसका वर्ग किया तो ये पूरा हट गया, थ्री 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 जा नाइन, तो ये क्या बचा, रूट कर्णिक घात थ्री एक्स इक्वल टू नाइन माइनस फाइव, ये हो जाएगा इक्वल टू फोर। अब क्या करें, दोनों पक्षों का घन कर दें, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करें जिससे ये हट जाए और एक्स की वैल्यू मिल जाए, अर्थात कर्णिक घात थ्री पावर थ्री इक्वल टू फोर की पावर थ्री, तो इधर कर्णिक घात थ्री कट गया तो हो जाएगा ये एक्स चार चक्कू सोलह चक्कू चौसठ, इस प्रकार से एक्स की वैल्यू 64 होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इसके तो हम बहुत ढेर सारे प्रश्न करा चुके हैं, इसके कई हमारे वीडियो भी हैं। देखिए 1.3 बार, सबसे पहले 1 प्लस 0.3 बार लिखेंगे, 1 प्लस हमने बताया था बार हटाने के लिए आप तो नहीं ही 9 लिख देते हैं, एक अंक के ऊपर एक 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 तो हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 3, यानी एक सही एक उधर 3 या 3 कम 3 और एक 4, 4 बटे 3, ये देखिए डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बहुत गंभीरता से देखिएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग हटके है कि एक अर्धवृत्ताकार खिड़की कैसी होगी, इस टाइप से अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास, यानी ये 49 दिया गया है, इसका परिमाप, परिमाप का मतलब तो ये, तो ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, यानी 49 प्लस अर्ध, ये तुम्हारी क्या अर्ध परिधि, यानी परिधि का आधा चाहिए, यानी अर्ध परिधि, क्यों पूरी परिधि है नहीं आधी, तो सबसे पहले ये तो पता ही आपको जो इसका व्यास है 49 है, अर्ध परिधि, परिधि के लिए क्या चाहिए त्रिज्या, क्योंकि डी व्यास मालूम है 49, आर हो जाएगा 49/2, इसलिए इसकी अर्ध परिधि, परिधि होता है 2πr, उसका आधा कर दीजिए तो हो जाएगा पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 49/2, 7 × 7, 7×7 49, 2 × 11 = 77, यानी ये जो है ये 77 है और 49, ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो 77 + 49, 6 × 6 = 12, 126 सेंटीमीटर, बी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ता हूं, इसी क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये 256, यानी ये लिखा हुआ है 256 की पावर 16 × 16 की पावर,
अब मैं इन दोनों की गुणा में घाते जुड़ जाती है, लेकिन ऐसे हम जोड़ नहीं सकते जब तक बेस समान ना हो, क्योंकि इसका बेस बनाए तो 16 का देखिए वर्ग लिखा है, 16 सोडियम होता 256 की पावर 0.16 इंटू 16 पावर 0.18। अब ये क्या होगा, पावर की पावर गुणा हो जाती है, 16 की पावर 16 दूनी 32 इंटू 16 की पावर 0.18, बेस समान होने पर घाते जुड़ जाती है, तो 16 की पावर 0.32 प्लस 0.18, 16 की पावर 0.50, दिस मीन्स 16 की पावर 1/2, और ये हो जाएगा अंडर रूट 16 यानी 4। इसका मतलब इसका उत्तर 4 होगा। अब मेरा एक अगला वीडियो आएगा जिसमें हमने अन्य 10 क्वेश्चन लिख रखे हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया आप इन्हें लाइक अवश्य करें। जय हिंद।